हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं जिपमर MBBS 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में जिपमर MBBS 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ जिपमर MBBS 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जिपमर MBBS 2020 का कोई भी 21 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं जिपमर 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे जो google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे सर्च करना है जिपमर MBBS 2021 और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जो जिपमर MBBS की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हरदम अपडेट होती रहती है, और उसी के साथ ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको जिपमर की हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने मिल जाएगी। तो आपको सिंपली इसे गूगल में लिख के सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उसे ओपन करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जिपमर MBBS की हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है देखने मिल जाएगी। लाइक सबसे पहले आप हम जिपमर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। तो गाइस, ये जिपमर का फुल फॉर्म है, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। और उसी के साथ साथ गाइस, ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो फैकल्टी बहुत ही मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी फैकल्टी है, और यहाँ से ज़्यादातर जो भी UG और PG जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एडमिशन चाहिए रहता है UG और PG कोर्सेज में, MBBS कोर्सेज में, वो यहाँ पे जो है एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर। उसी के साथ गाइस, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग एक सपना रहता है कि उन्हें जो है जिपमर MBBS यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो एजुकेशन फील्ड है उसमें एडमिशन लेना रहता है। ये जो जिपमर जो यूनिवर्सिटी है वो 1823 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी जूनी इंस्टीट्यूट है। 1823 में फ्रेंच गवर्नमेंट की मदद से जो है इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ ये जो टेस्ट है जिपमर MBBS, ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो MBBS कोर्सेज में, MBBS कोर्सेज हो गए, UG PG कोर्सेज में जो एडमिशन ले पाए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जिपमर के हाईलाइट्स के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। टाइप ऑफ एग्जाम जो है UG एंड लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम स्टेट लेवल है। कोर्सेज यहाँ पे मेडिकल के और MBBS के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जिपमर खुद ही इसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे। एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम सेंटर में आप लोगों का पेपर होगा, और टोटल 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। अब गाइस, यहाँ पे जो क्विक लिंक्स दिखाई दे रही है, तो ये सारी की सारी क्विक लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से सिंपली किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके सामने दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में आसानी से जान पाएंगे। अब बात करेंगे एग्जाम डेट्स की, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 4th week of March में रिलीज होगा, उसी के बाद आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड 3rd week of May में रिलीज होगा। आप एडमिट कार्ड जो है 3rd week of May में डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो एग्जाम है वो 1st week of June में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। सो गाइस, और भी जो है इवेंट्स के यहाँ पे डेट्स दे दी गए, आप वो हर एक इवेंट्स की डेट्स यहाँ से बिल्कुल डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिपमर का, और उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आपको जिपमर के एप्लीकेशन प्रोसेस पे ध्यान देना, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि जब उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में कहा जाता है डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करने, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता किस साइज़ किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करना है, तो किसी भी साइज़ और किसी भी फॉर्मेट में स्कैन करते थे, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही जिपमर MBBS 2021 का जो हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले, इसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताया जाए किस तरह से आप डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, कितने साइज में अपलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में। तो मेक श्योर कीजिएगा इस, आपको हर एक चीज़ उस वीडियो में बता चल जाएगी, आपको सिंपली जो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से बिना किसी गलती के भर पाएंगे। नेक्स्ट गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे अभी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो
तो आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, यू आर या ओ सी आई या स्पॉन्सर ओ बी सी कैंडिडेट हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो 1500 यानी कि 1500 रुपीज़ रहेगी। अगर आप एस सी एस टी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी जो 1200 रुपीज़ रहेगी। और अगर आप एन आर आई कैंडिडेट हो तो आपकी एप्लीकेशन फी टोटल 3000 रुपीज़ रहेगी। और आपका एप्लीकेशन फी का जो है भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं भरते तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स, जो ओ पी एच कैंडिडेट है उन्हें जो एप्लीकेशन फ़ी भरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे एज क्राइटेरिया सबसे पहले बता देगा आपको जो भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है एज 17 ईयर से ज़्यादा रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 17 ईयर से कम आपकी एज नहीं रहनी चाहिए। एच एस सी आप पास रहनी चाहिए, 12th पास रहनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा। उसी तरह से और बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस, आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल जो है 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। लैंग्वेज की बात करें, 2 अलग अलग लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सारे के सारे एमसीक्यू टाइप रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आपको सिंपली उस पर टिक करके उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसी के साथ बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको माइनस मार्क्स नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट्स आपको जो यहाँ पे नीचे दे दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉजिक एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंपैरिजन। टोटल आपके यहाँ पे बता भी दे किसमें से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात की जाए तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है। आप चाहे तो जो अपने 12th 11th का जो सिलेबस है उसे भी सेम फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से भी जितने सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस, जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिपमेंट 2021 का, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा, इनफैक्ट एग्जाम सेंटर के अंदर भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, वो ये है काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कब एडमिट कार्ड रिलीज होता है, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट एंड हो जाती है, और इस वजह से वो अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं कर पाते। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना है, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। साथ ही आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा किस तरह से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं आप लोगों को हम जो बता देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड करा जाएगी, जिसपे सिर्फ एक क्लिक के थ्रू अपना रिजल्ट आसानी से जो है चेक कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप अभी आप लोगों को जिपमर जो MBBS 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो, अगर डिटेल्स आपको जाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।